हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे। और हम लोग आज लगभग 1 महीने बाद मिल रहे हैं इस चैनल पे, कि बहुत लंबा गैप हो गया था, पर कोई बात नहीं दोस्तों। आज मेरे पास जो वीडियो है उसमें हम लोग बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपको हर एग्जाम में, हर गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। खास करके रेलवे वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, एसएससी वालों के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि हमारा बेसिकली बायोलॉजी पे ही बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं, और मैं सारे क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, हम लोग साथ में बात भी करेंगे सारे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन आपके पास ब्लड सेल, स्पर्म सेल, ओवम और आरबीसी दिया हुआ है। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको सोचना है, आपके पास 3 सेकेंड है। 1 2 3 खत्म। तो दोस्तों करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड, ओवम करेक्ट हो जाएगा। एग सेल जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। ये किस में पाई जाती है? महिलाओं में, यानी कि ये बेसिकली फीमेल्स में मौजूद होती है, ठीक है? अगर हम ब्लड सेल की बात करें दोस्तों, तो ब्लड सेल मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो इसी पे बना के दिया था, उसमें अभी ब्लड ग्रुप बाकी रह गया है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। आरबीसी के बारे में आपको ये पूछा जाता है कि इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? दोस्तों आप याद रखिएगा, इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? और यदि आपको क्वेश्चन ये पूछता है, आरबीसी का नंबर यदि बढ़ जाता है तो उस रोग को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे हम लोग पॉलीस्थीमिया कहते हैं, ठीक है? और अगर मान लीजिए आरबीसी का नंबर बन ही नहीं रहा है, शरीर में आरबीसी नहीं बन रही है, तो वो रोग आपका थैलेसीमिया कहलाता है। आरबीसी के जीवन काल के बारे में अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है? स्पर्म सेल मेल में पाया जाता है, मानव में सॉरी पुरुषों में पाया जाता है, याद रखिएगा। और बाकी दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, अब यहाँ बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उसका स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके पास पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और मेसोफिल सेल। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके पास जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो पानी के कारण होती है। क्यों ऐसा होता है? देखिए ये आपका सूर्य का प्रकाश है, जैसे ही ये जो पानी पौधे ने एब्जॉर्ब किया है उस पर पड़ता है, ये क्या करता है? वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तुरंत जैसे ही सूर्य का प्रकाश H2O पे पड़ता है, वहां पे हाइड्रोजन उसका अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन उसका अलग हो जाता है। ये ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने के लिए ले लेते हैं, और इस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? फोटोलिसिस कहते हैं, ठीक है? यानी प्रकाश की उपस्थिति में जल का टूटना इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस, ठीक है? बहुत ही ईजी था। कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे किस तरीके से यूज करते हैं दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज पौधे अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है? यानी ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए करते हैं। यदि आपसे कोई क्लोरोफिल के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है, एक ऐसा पिगमेंट है जो बेसिकली मदद करता है हरेपन के लिए, ठीक है? हरापन क्लोरोफिल की वजह से आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ टीथ डिसऑर्डर, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो दांतों की बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों दांतों की बीमारी से जो तत्व तो जुड़ा है वो है आपका फ्लोरीन। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की यदि अधिकता हो जाए टूथपेस्ट के द्वारा या पीने के पानी के द्वारा किसी भी तरीके से, तो उसके द्वारा आपको एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं फ्लोरोसिस, ठीक है? याद रखिएगा, क्लोरीन आपके शरीर में क्या करता है दोस्तों? आपके शरीर में क्लोरीन आयन मेंटेन करके रखता है। अगर आयन नहीं मेंटेन रहेगा आपके शरीर में तो चीजें ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी कोशिकाओं में, ठीक है? बात करें अगर आयोडीन की दोस्तों, तो आयोडीन आपके शरीर में थायराइड ग्रंथि के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको जो रोग होगा दोस्तों उसका नाम है क्वाइटर, घेंघा, ठीक है? बेसिकली घेंघा वाले पर्सन को क्या होता है? घेंघा जिसको हो गया रहेगा उसके शरीर में मेटाबोलिज्म रेट बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है? मतलब लो हो जाएगी, सॉरी, मतलब ये कि वो अपने आप को हमेशा सुस्त महसूस करेगा, गले में उसके सूजन हो जाएगी, थका हुआ महसूस करेगा, ये सारी चीजें उसको दिक्कत आती है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, बोला गया है कि पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस और जाइलम, ठीक है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए पौधे में पानी पहुंचाने का काम जाइलम करते हैं। जाइलम क्या होता है?
ये एक प्रकार का पौधे में पाया जाने वाला ऊतक होता है, यानी कि टिश्यू होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये पानी पहुंचाने के अलावा भी पौधे को और मैच्योर होने में सपोर्ट करते हैं। जाइलम एक ऐसा ऊतक है दोस्तों जिसमें कि आपको चार प्रकार के भाग मौजूद होते हैं जो मिल करके जाइलम बनाते हैं। एक का नाम है दोस्तों ट्रैकियट्स, और एक का नाम है वेसल, ठीक है, और उसके बाद दूसरे का नाम है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, और उसके बाद जो इसके अलावा भी जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम है जाइलम फाइबर, ठीक है। ये चार स्ट्रक्चर मिल करके बनाते हैं जाइलम को, तभी क्या होता है जाइलम फॉर्म हो पाता है। ट्रैकेट्स और वेसल में बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है, उस कारण से पानी ऐसे ऐसे मूव कर जाता है ऊपर। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, पानी को दोनों मतलब जो तने वाला भाग है उस साइड पहुंचाने में मदद करता है। अभी एपिडर्मिस की बात करें दोस्तों, तो ये एक टिश्यू लेयर के तौर पे पौधों में पाई जाती है, ऊतक के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में पाया जाता है। फ्लोएम की बात करें दोस्तों, तो फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन पहुंचाने का काम करता है। अभी हम कैम्बियम के बारे में बात करें तो दोस्तों, आपको ये कैम्बियम के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताऊं, कभी आपने पौधे का तना काटा होगा, आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे ऐसे रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैम्बियम रिंग, ठीक है, या फिर हम इसको कैम्बियम वलय भी बोलते हैं, ठीक है। इसी कारण से पौधा अंदर से मोटा होता रहता है, और अगर पौधा पौधे का जो तना है वो बाहर से मोटा हो रहा है तो कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम की वजह से होता है, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा गया है ऑल द प्रोजीनी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर कॉल्ड। यदि आप किसी भी एक पौधे का वनस्पतिक भाग काटते हैं और उससे कोई नया पौधा लगाने की कोशिश करते हैं और नया पौधा आ जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोन, दूसरा है प्योर लाइन, फिर है इनब्रेड लाइन, फिर पेडिग्री लाइन। दोस्तों हमेशा आपने गुलाब में गन्ने में ये देखा होगा कि उसी का तना काट करके लगा दिया जाता है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है सेम आइडेंटिकल कॉपी मिल जाए वो आपका क्लोन कहलाता है, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें से कौन रक्त संचरण में मदद करता है दोस्तों, लिम्फोसाइट रक्त संचरण में मदद करता है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिम्फोसाइट क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की WBC होती है, श्वेत रक्त कणिका होती है, जिसका काम होता है आपके शरीर को रोगों से बचा करके रखना। दो प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिका आपके शरीर में पाई जाती है, एक को आप बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, दूसरे को आप बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आपके शरीर में आने वाले उन रोग पैदा करने वाले कारक को पहचानता है और फिर उसको क्या करता है, हमेशा अपनी मेमोरी में याद रखता है कि वो कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर बी लिम्फोसाइट से क्या कहेगा कि तुम अब इसके खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दो, मतलब बॉडी में वो चीजें बनने लगती है जो रोग से लड़ पाए, ठीक है। तो बॉडी में वो चीजें जो रोग से लड़ पाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, और एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। मोनोसाइट भी एक प्रकार का WBC है, श्वेत रक्त कणिका है। मोनोसाइट का काम होता है दोस्तों मैक्रोफेजिंग करना, यानी घूम घूम के घूम घूम करके बैक्टीरिया का भक्षण करना, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स रक्त का ही एक भाग होता है दोस्तों। इरिथ्रोसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है हम RBC का ही दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट लिया जाता है, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट, बोला गया है कि पौधों में वाटर और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का काम कौन करता है, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर और मॉलिब्लेंडम। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बोरॉन। बोरॉन एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही कम मात्रा में पौधों को उसकी जरूरत होती है, और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, पौधों में कैल्शियम और जो है ना आपका बाकी के तत्वों का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है, वाटर का और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन वो बढ़ा देते हैं, ठीक। इसमें से मॉलिब्लेडनम क्या करता है, ये पौधे में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए उसका साथ देता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। मुझे लगता है मुझे इन कलर चेंज कर लेना चाहिए, शायद इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत लेट समझ में आया कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पेनिसिलिन को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ईस्ट से, शैवाल से, कवक से और लाइकेन से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग फंगस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फंगस का क्या नाम है दोस्तों, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का नाम है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ईस्ट की बात करें, ये क्या करता है, किण्वन में मदद करता है, ये आपका क्या करता है, फर्मेंटेशन में मदद करता है, और इससे जो एंजाइम निकलता है जो फर्मेंटेशन में मदद करेगा उसका नाम है जाइमेज, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। शैवाल का मतलब होता है दोस्तों काई, जो पानी में आपको हरे रंग की दिखाई देती है, और ये एक पौधे के
समूह से बिलोंग करती है, फाइलम से, संघ से बिलोंग करती है, जिसे हम कहते हैं थैलो फाइटा। ठीक है, बहुत सारी एल्गी होती है जिसका अलग अलग हम लोग प्रयोग करते हैं। वॉट इज द रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड? बोला गया है कि रॉड के आकार का बैक्टीरिया क्या कहलाता है? बैसिलस, स्पाइरलम, कॉकस और कॉमा। दोस्तों, जिसका आकार अगर आप सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं और आपको वो इस प्रकार का कुछ नजर आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। ठीक है, अगर आपने बैक्टीरिया लिया और आप उसको सूक्ष्मदर्शी में यानी माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो आपको बैसिलस इस तरीके से दिखा तो उसे बैसिलस कहेंगे। स्पाइरलम का मतलब होता है इस तरीके के शेप का कोई बैक्टीरिया आप देखें तो स्पाइरल शेप का, स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं ना। कॉकस की बात करें दोस्तों तो गोल गोल आकार में जब बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो वो आपके कॉकस कहलाते हैं। कॉमा की बात करें तो कॉमा शेप बैक्टीरिया कॉमा क्या कर रहे हैं। बैसिलस के एग्जांपल में दोस्तों आप लिख सकते हैं लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध से दही में मौजूद होता है, दही जो बनती है उसमें मौजूद होता है। स्पाइरलम में आपका जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा करने वाला एक जो है बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम ये आपका स्पाइरलम शेप में होता है, स्पाइरल शेप में होता है। कॉकस में आपका क्या आ जाएगा? स्टेफेलोकॉकस, जिसकी वजह से निमोनिया होता है। ठीक है, वो आप याद रख सकते हैं दोस्तों। कॉमा शेप का कौन होता है? विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, जिसकी वजह से आपको कॉलेरा होता है। बात समझ में आ गई? आगे आते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एनिमल है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो ये इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, पर इसमें दोस्तों इसमें अभी कोई ऐसा नहीं है जो कंप्लीट तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये क्वेश्चन थोड़ा हम लोग स्किप कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली फाउंड इन वुमेन, केवल महिलाओं में क्या पाया जाता है? ओवरी। ठीक है, केवल ओवरी महिलाओं में ही मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, डार्विन फिंच रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फिश, लिजार्ड, बर्ड्स और एम्फीबियन। डार्विन फिंच किससे संबंधित है दोस्तों? ये पक्षी से संबंधित है, बर्ड से संबंधित है। डार्विन फिंच का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डार्विन ने बताया था कि बहुत सारे ऐसे जंतु थे जो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने शरीर में परिवर्तन ला दिए, उन्होंने अपने शरीर में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए ताकि वो वातावरण के साथ एडजस्ट कर सकें। ठीक है, उसी में चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया ऐसी थी जिनके चोंच का शेप चेंज हो गया, उसको डार्विन फिंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है, द टिश्यू इन द मैन वेयर नो सेल डिवीजन ऑकर आफ्टर बर्थ, मनुष्य में वह ऊतक जहां जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, कंकाल, नर्व, संयोजी और जर्मिनल। दोस्तों, नर्व सेल जो होती हैं आपकी, इसमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये विभाजित करने लगती तो फिर इंसान को कभी पैरालिसिस वाली दिक्कत नहीं आती, ये सब नहीं होता। और अगर मान लीजिए ऐसा होता, इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती, तो ये भी होता कि आदमी छोटे मोटे रोग की वजह से भी पागल हो सकता था, क्योंकि फिर उसमें कोशिका विभाजन में अगर कोई भी गड़बड़ी आ जाती तो पूरा बॉडी का ही फंक्शन खराब हो जाता। इसलिए बस ये एक बार बनती है और हमेशा जिंदगी भर वैसे ही रहती है। अगर खराब हो गई तो व्यक्ति को कोई दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम या पैरालिसिस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा सेशन? और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको और किस टॉपिक पे आगे क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि थियरी आपके एग्जाम को देखते हुए अभी थोड़ा सा स्टॉप करना है मुझे, तो हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन MCQ सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं तो एक क्या कह सकते हैं उसको, मन कर जाता है और वीडियो बनाने का, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।